एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। राजा अपनी 3 पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उन्हें महंगे महंगे कपड़े दिलाता, अच्छा भोजन खिलाता और उनका अच्छे से ख्याल रखता। राजा की 4थी पत्नी सबसे ज्यादा वफादार थी, जो संकट के समय हमेशा राजा की मदद किया करती। लेकिन राजा अपनी 4थी पत्नी से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया, उसे समझ आ गया कि अब उसके पास बहुत कम समय है। इसीलिए उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किया है, तुम्हें बेहतरीन चीजों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तो पहली पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। ये बात राजा को चुप सी गई। अब दुखी मन से राजा ने दूसरी पत्नी से पूछा कि पूरी जिंदगी मैंने तुमसे प्यार किया, अब जब मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये सुनकर राजा का दिल बैठ सा गया। फिर भी उसने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया कि माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई कि मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ चलूंगी। राजा ने नजर घुमाई, सामने उसकी 4थी पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि राजा उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखता था। 4थी पत्नी की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने पछतावे के साथ कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। दोस्तों, कहानी का अंत यहीं पर होता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 पत्नियाँ कौन थी। पहली पत्नी है हमारा शरीर। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। दूसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारी दौलत। जब हम मरते हैं तो ये दूसरों को मिल जाती है। तीसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे मित्र गण, चाहे वो कितने ही हमारे साथ हों, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान घाट तक जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं। और 4थी पत्नी है हमारी आत्मा, जो कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक साथ जाएगी, क्योंकि यही है दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा।